नमस्कार, वेलकम। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी। आज मैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जो कि आपकी बीएससी की लैब में आपको मिलेगा, यदि वो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल है तो। इसकी तुलना हम अपने कॉपी में बनाए गए डायग्राम से करेंगे कि उसे हमें एडर के रूप में काम में लेना है या सब ट्रैक्टर के रूप में काम में लेना है या इन्वर्टर के रूप में काम में लेना है तो हम कैसे काम में लेंगे। इसके अलावा इसके अन्य वीडियो भी आ चुके हैं जिनकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और इसकी आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। आओ हम इसे देखें। सर्वप्रथम मैं आपको इसका जनरल डायग्राम बता देता हूं। देखिए, इसमें कुल 8 टर्मिनल होते हैं। इनमें से 3 टर्मिनल को हम काम में लेते हैं। जो ये माइनस लिखा हुआ है इसको हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, प्लस प्लस लिखा हुआ है इसको हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। ये अपना आउटपुट टर्मिनल है। जब हमने वोल्टेज सोर्स अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जोड़ रखा है तो ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा। यहाँ जोड़ दिया हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर और इसको ग्राउंड कर दिया तो ये किसकी तरह काम करेगा, अपने नॉन इन्वर्टर की तरह। जैसे ये इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है, इसमें वोल्टेज सोर्स हमने कहाँ जोड़ रखा है, इसके इन्वर्टर टर्मिनल पर यानी माइनस टर्मिनल पर। नॉन इन्वर्टर टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर रखा है। जोड़ने का प्रोसेस क्या रहता है, देखिए, वोल्टेज सोर्स से एक कनेक्शन लेंगे, रेजिस्टेंस में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस से कनेक्शन लेके इसके इन्वर्टर टर्मिनल पर जोड़ देंगे। उसके बाद इन्वर्टर टर्मिनल से कनेक्शन लेंगे, रेजिस्टेंस में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस से कनेक्शन लेंगे और इसके आउटपुट से जोड़ देंगे। पहले डायग्राम को देख लें, उसके बाद हम उस खुद को देखेंगे। यह जैसे नॉन इन्वर्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें वोल्टेज सोर्स हमने इसके नॉन इन्वर्टर टर्मिनल पर जोड़ दिया और जो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड से कनेक्शन लिया रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से कनेक्शन लिया इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, इन्वर्टिंग टर्मिनल से लिया इसके रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से इसके आउटपुट टर्मिनल में। योजक है ये योजक, तो इसके हमने इन्वर्टर टर्मिनल पर दो वोल्टेज सोर्स जोड़ दिए, एक तो R1 के थ्रू, एक R2 के थ्रू, बाकी R अब तो सेमी प्रोसेस है। ये है अपना वैकलन यानी सबस्ट्रेक्टर। इसमें हमने क्या किया, देखिए, एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने इन्वर्टर पर कनेक्शन दिया वोल्टेज सोर्स का, नॉन इन्वर्टर पर भी दिया एक रेजिस्टेंस के थ्रू, RF यहाँ भी जोड़ा और RF हमने यहाँ पर भी जोड़ा। अब इस खुद को देख ले हम। यह है अपना इसका इंस्ट्रूमेंट में देखिए, यह रहा अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यह रहे अपने वोल्टेज सोर्स, यहाँ से हम इनपुट में चेंज कर सकते हैं सिग्नल को, जैसे साइन वेव या ये इस टाइप की वेव। यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह है अपना वोल्ट मीटर, जैसे मुझे चेक करना है कि इनपुट में मैंने कितना वोल्टेज दिया है तो यहाँ से मैं कनेक्शन लूँगा, यहाँ कर दूँगा तो ये शो कर देगा कि आपने इतना वोल्टेज अभी ले रखा है। कम ज़्यादा करना है तो इसको मैं घुमाकर कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने वोल्टेज सोर्स को। यहाँ पर अपने पास दो वोल्टेज सोर्स है, इस तरफ देखें तो ये अपने कैपेसिटर है, उसके बाद रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 1 किलो ओम और 217 ओम कम से कम है अपने पास। अब हम बात कर लें इसके कनेक्शन की। ये पूरा देख लिया आपने, जो ये नीचे के ब्लैक 4 कनेक्शन है ये ग्राउंड के लिए। इसमें जो ये ऊपर की ओर टर्मिनल है ये अभी हमने देखा था डायग्राम में,
जो माइनस का था वो है, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल है। जो बीच में से जा रहा है ये नॉन इन्वर्टिंग है, और जो हमने डायग्राम में देखा था प्लस वाला था, इसको हम काम में नहीं लेते, इसको काम में नहीं लेते। ओके, ये केवल संकेत मतलब दिखाए गए हैं कि ये है। आउटपुट में हम बात करें तो हम यहाँ से कनेक्शन लेके यहाँ कर देंगे, तो जो आउटपुट का कनेक्शन है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम आउटपुट से उसके बाद कितने जोड़ सकते हैं, ये यहाँ कनेक्ट करने के बाद 1, 2, 3, 4। यदि हमें आउटपुट में बहुत सारी चीज़ें जोड़नी हैं तो हम इसको काम में लेंगे, या एक आधा कनेक्शन करना है तो हम उसको सीधा यहाँ पर भी कर सकते हैं। आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है उसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन लेंगे और यहाँ चेक करेंगे, या हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से लेंगे और यहाँ चेक करेंगे। ओके, यहाँ से हम वोल्टेज की रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लें, कि मुझे पहला कनेक्शन करना है वोल्टेज सोर्स से लेना है, रेजिस्टेंस में जोड़ना है, रेजिस्टेंस इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, दूसरा कनेक्शन इन्वर्टिंग टर्मिनल से लेना है, रेजिस्टेंस में जोड़ना है, रेजिस्टेंस आउटपुट पर, और इसके नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देना है। देखिए वोल्टेज सोर्स से लेना है, और रेजिस्टेंस में जोड़ना है, रेजिस्टेंस से लेना है और इसके इस टर्मिनल पर जोड़ देना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देना है। अभी हम किसका कनेक्शन कर रहे हैं, इन्वर्टर का। वोल्टेज गेन किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ से जो हम रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार। सेकंड कनेक्शन मुझे क्या करना है, यहाँ से लेना है और किसी रेजिस्टेंस से जोड़ देना है, जैसा कि मैं गेन चाहता हूँ। फिर यहाँ से लेना है और इसके आउटपुट टर्मिनल से जोड़ देना है, इन्वर्टिंग से लिया, रेजिस्टेंस में जोड़ा, रेजिस्टेंस से लिया और इसके आउटपुट में जोड़ दिया। ये कौन सा हुआ RF, ये कौन सा हुआ RI। अब हम देखें अपने डायग्राम को, तो देखिए ये RI और RF हमने अभी इस प्रकार से जोड़े थे, क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज गेन क्या होता है, AV इज इक्वल टू इसका इन्वर्टर का RF अपॉन RI माइनस का, यानी V नॉट अपॉन VI इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन RI। तो हम इसका जैसा रेशियो रखेंगे वैसा ही ये आउटपुट में इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट देगा। मैं आशा करता हूँ शायद ये आपके लिए उपयोगी रहा है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार।